दोस्तों खुशामदीद आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कश्मीरी गार्डन्स में। आज जिस फ्लावर के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्टॉक फ्लावर। स्टॉक फ्लावर के कई सारे रंग होते हैं, कई सारे रंगों में ये अवेलेबल रहता है। बहुत सारे कलर्स मेरे पास भी अवेलेबल है। आप इसको अपने गार्डन में जो है आपके फ्लावर बेड्स हैं उसमें लगा सकते हैं, आप इसको पॉट्स में लगा सकते हैं, आप इसके ग्रोइंग बैग्स में लगा सकते हो, आप इसको हैंगिंग जो आपके पास में पॉट्स होंगे उसमें लगा सकते हो। तरह तरह के कलर्स इसमें मिलते हैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अगले सीज़न के लिए सीड्स इकट्ठा करेंगे और इसके सीड्स कैसे होते हैं। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ में शेयर करनी है। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। और आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से नीचे दिया हुआ लाल बटन जो है सब्सक्रिप्शन का उसको दबाइए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों जैसे आप जानते हैं ये विंटर कलेक्शन है फ्लावर्स में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हार्श विंटर की वजह से फ्लावर जो है विंटर में नहीं आते हैं। हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में कोई फ्लावर नहीं आता है विंटर कलेक्शन फ्लावर से, क्योंकि सर्दियां काफ़ी रहती हैं, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ़बारी बहुत होती है, बारिशें बहुत होती हैं, उसके कारण हमारे यहाँ पे फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हम इसके सीड्स बना ये जो है आज कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी नर्सरी जो है बना के रखेंगे और जो मार्च के महीने में ही इसके फ्लावरिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो सीड्स हैं मैं आज इनको कलेक्ट कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने कलेक्ट किए थे, मैंने नर्सरी के लिए जो है जर्मिनेशन के लिए रखे हैं अक्टूबर के महीने में ही, ताकि मैं जल्द से जल्द इसकी नर्सरी जो है पॉट्स में लगाऊं और अपने गार्डन में लगाऊं, ताकि मार्च के महीने में ही मुझे फ्लावरिंग देखने को मिले। आज मैं सारी जो जितने भी सीड्स वगैरह हैं उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। आपसे भी निवेदन है कि अगर आप जो सीड्स कलेक्ट करते हैं तुरंत उसके बाद ही यानी उसके साथ में ही आप जर्मिनेशन के लिए उसको ना रखें, उसमें फंगस आने का खतरा रहता है। उसको थोड़ा सा सुखाएं, उसके बाद ही आप उसको नर्सरी बनाने के लिए जर्मिनेशन के लिए रखें। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है छोटी छोटी कोशिशें करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आते होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन का जो बटन है नहीं दबाया है, तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन का लाल बटन है उसको दबाइए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप हमारे साथ में हमेशा के लिए जुड़ सकें। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे इस चैनल का भी, आपका और मेरा। अल्लाह हाफिज़।